पश्चिम क्षेत्र में स्थित एप्पल हॉस्पिटल पर मंगलवार दोपहर को जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। मरीजों के परिजनों की शिकायत पर जिला प्रशासन एक्शन में आया है। प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए अस्पताल के मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त किया है, तो वहीं नगर निगम ने हॉस्पिटल से निकलने वाले वेस्ट का उचित निपटान नहीं करने पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना किया है। दरअसल एप्पल हॉस्पिटल में आने जाने वाले मरीजों के परिजनों पर अस्पताल के ही मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने और अस्पताल में ही जांच कराने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी शिकायत मरीज के परिजन ने जिला प्रशासन से की थी। इस शिकायत के बाद तुरंत जिला प्रशासन एक्शन में आया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर कार्यवाही की गई। इससे पहले भी जिला प्रशासन एप्पल अस्पताल पर कई बार कार्यवाही कर चुका है। प्रकाश पारवानी ने इस पूरे मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की थी। पारवानी ने 11 जुलाई को शिकायत करते हुए बताया कि वह अपनी मां पुष्पा पारवानी को लेकर एप्पल हॉस्पिटल में भर्ती कराने ले गए। उनकी मां को एंडोस्कोपी होकर गॉल ब्लैडर में ऑपरेशन होना था। जब वे अपनी मां को हॉस्पिटल में भर्ती करा रहे थे, तब इमरजेंसी मेडिकल रूम में उन्हें एक प्रिंटेड फॉर्म पर साइन करवाने के लिए कहा गया। इसमें इलाज के दौरान हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से ही दवा खरीदने और हॉस्पिटल की ही लैब में जांच करवाने की अनिवार्यता का उल्लेख भी किया गया था।